बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 4 अगस्त को योम शुहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में बड़ी तकरीब का अहतमाम किया जाएगा जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शरीक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस पर हमें फ़ख्र है, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के शहीदों पर हमें फ़ख्र है। उनकी कुर्बानियाँ इस खत्ते के, इस सूबे के आवाम के लिए हैं और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम अपने शुहदा की कुर्बानियों को ना सिर्फ याद रखती है बल्कि उनका ये एहसान हमारी आगे आने वाली नस्लों पर भी रहेगा और उसे याद रखा जाएगा। पुलिस के जवान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, जराइम पेशा लोगों के ख़िलाफ़ जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं। उनकी अहमियत का इस सूबे के, इस खित्ते के बच्चे बच्चे को एहसास है और यही वजह है कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस को मज़ीद मजबूत करने के लिए, पुलिस को की इस्तेदाद को मज़ीद बढ़ाने के लिए, पुलिस की प्रोफेशनल पेशावराना सलाहियतों को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इकदामात करने का फ़ैसला किया है। मौजूदा जो हमारा बजट है उसमें 7 अरब रुपए के करीब रकम भी मुख्तस की गई है जो पुलिस के मुख्तलिफ जो शोबे हैं उन पर इंशाल्लाह खर्च की जाएगी। पाकिस्तान जो इस वक्त हालिया दहशतगर्दी की लपेट में है और जिस जंग में हम शरीक हैं उसमें पुलिस एक ऐसा शोबा है, एक ऐसा अंसर है कि जिसको किसी तौर भी फरामोश और नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पुलिस के तमाम जो ज़रूरियात हैं उनसे भी हुकूमत बाखबर है और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस पाकिस्तान की बेहतरीन पुलिस फोर्स बनेगी, बल्कि है भी।